Hi everyone, good evening. Welcome to Let's Crack UPSC CSE presented by An Academy. So how's you all guys? I hope your preparations are doing well. And here we are going to study about the Indian art and craft. Okay, so welcome everyone on India's largest learning platform, which is An Academy, and you can crack UPSC CSE with An Academy. Hi Avneet, how's you? Kaise hain aap? And hi everyone, welcome. Guys, my name is Rajul Srivastav and I'm educator on An Academy since 2019. I'm teaching on various categories such as UPSC, CSE. I'm teaching here optional subjects such as sociology and anthropology. Apart from that, I started here this session, which is GS paper 1. Okay. And I'm educator on MPPSC and Vyapam category as well. So let's start today's session. So here we are discussing about GS paper 1. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GS paper 1 की, which consist of 250 marks. So GS paper 1 250 marks का होने वाला है, and इसमें आपको जो subjects आ रहे हैं, it is Indian heritage and culture. अभी हमने ये already start कर दिया है. Then history and geography of the world and society. So social history and geography भी आपको cover करना है. What is our session timing? हमारा session Monday to Saturday होता है, and the timing is 5:30 PM. रोज शाम को 5:30 बजे आपकी ये क्लास होती है. अच्छा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, तो आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग के बारे में. किसके बारे में? इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग के बारे में बात करेंगे. इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में क्राफ्ट एंड पेंटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. और जब भी हम इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, द थिंग विच इज वेरी असेंशियल, द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हैंडीक्राफ्ट. सो इंडिया में बहुत सारे टाइप्स के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स हैं. यस, देयर वाज नो क्लास यस्टरडे बिकॉज ऑफ देयर सम टेक्निकल इशू एंड सम कंस्ट्रक्शन वर्क वाज गोइंग ऑन इन माय सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू टेक द सेशन. But don't worry, we'll conduct the session today. Okay? All right, so let's study. So India mein handicraft bahut sare type ke, jaise bamboo handicrafts, cane handicrafts, bone and horn handicraft, bell metal handicraft, brass handicraft, clay handicraft, dokra handicraft, jute handicraft, paper handicraft, stone handicraft, shell handicraft, glass handicraft. Apart from that, there is leather handicraft and wood handicraft, and there are many type of paintings. So India में बहुत सारे types के आपको handicraft देखने को मिलेंगे, जिसमें based on raw material, जो भी इसमें construction के लिए material use होता है, उस basis पर India में handicrafts को categorized किया गया है. Okay? Apart from that, यदि हम बात करें तो paintings भी बहुत सारे types की हैं, एंड बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वांट टू टेल यू अबाउट अन अकेडमी लर्निंग ऐप. तो आप फटाफट से अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज आपको वहां पर मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, जहां आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में एंगेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस यहां पे मिलते हैं, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, और आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे सब्सक्रिप्शन, उस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप सारे क्लासेस को भी देख सकते हैं. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. आपको अन अकेडमी पर टॉप एजुकेटर्स मिलने वाले हैं इंडिया के. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, एंड कंप्लीट सिलेबस मींस आपको प्रीलिम्स, मेंस अलोंग विद इंटरव्यू तक की भी प्रिपरेशन मिलेगी. प्लस अन अकेडमी आपको दे रहा है ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस. यदि आप यूपीएससी सीएससी का मेन सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री मिलेगी. एंड ऑप्शनल्स में आपको पढ़ा रही हूँ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी. तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी. इट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिसंबर रोहित. ओके, चलिए. तो आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1. अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है? दिस इज माय कोड RJ लाइव, आप इसको अप्लाई कीजिए. यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड आपको साथ में मिलेगी मेरी मेंटरशिप. ओके, सो दीज आर द प्राइजेस. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड RJ लाइव. देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन.
वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। बट इफ आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ के दो फीचर्स और इंक्लूड हो जाते हैं, विच इज पर्सनल कोच एंड मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए, आई बिलीव कि सारे लोग क्लास में लाइव हैं, आई बिलीव कि सारे लोग क्लास में एक्टिव हैं। ऑल राइट, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द सेशन। यहां पे हम सेशन कंटिन्यू करते हैं एंड चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग को स्टडी करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग। सो लेट्स सी, लेट्स डिस्कस, आके देखते हैं इंडियन क्राफ्ट और पेंटिंग में क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया में क्राफ्ट कैसे डेवलप हुआ। सो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्राफ्ट। इंडिया में क्राफ्ट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को इंडिया में अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो क्राफ्ट है, ओके, थैंक यू सो मच रोहित। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे इंडियन क्राफ्ट इंडिया में डेवलप हुआ है। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया इंडियन क्राफ्ट इंडस्ट्री में। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले तक जो इंडस्ट्रीज थी, ये किस पे फोकस करती थी? जो क्राफ्टमैन थे, इनका मेन फोकस जो रहता था, ये अर्बन रीजन्स में रहता था। ओके, तो ये क्या करते थे, ये अर्बन रीजन्स में ही अपने क्राफ्ट वर्क को प्रेजेंट करते थे और वहीं का क्राफ्ट वर्क शो करा करते थे। बट बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ, तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया। अब कंसेप्ट जो आया वो आया डिवीजन ऑफ लेबर्स का, कि लोगों का जो काम है वो काम बांट दिया गया। ओके, सो डिविजन्स ऑफ लेबर, सब लोग पार्ट पार्ट में काम कर रहे हैं। ओके, कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं से फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चीजें असेंबल हो रही है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद नई कंसेप्ट आई, विच इज डिविजन ऑफ लेबर, जिससे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन और मास प्रोडक्शन हुआ। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर्स तो था नहीं, तो चीजें क्या थी, लिमिटेड थी। किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता था वो लिमिटेड होता था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रीज बनी और मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन होने लगा। तो हैंडीक्राफ्ट का भी यू विल गेट द पीडीएफ आफ्टर द सेशन। गुड इवनिंग रूपांजलि। सो हैंडीक्राफ्ट का भी क्या होने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा और मार्केट बेस पे ये प्रोडक्शन होने लगा। इस रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई होमलैंड क्राफ्ट की, जो क्राफ्ट घर पे बनाया जा रहा है, दैट इज हैंडीक्राफ्ट। तो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, राइट, फैमिली नेटवर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जो अर्बनाइजेशन है अर्बन एरियाज में, ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है ये डिक्लाइन हुआ है। तो जहां पे पहले अर्बन एरियाज में हैंडीक्राफ्ट ज्यादा था, वहां कम हो गया। और आज की तारीख में हम देखते हैं तो रूरल एरियाज में जो है ये हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा क्या हुआ है, एडवांस हुआ है। यू विल गेट द पीडीएफ वंस, लेट मी प्लीज कंप्लीट द सेशन। वंस आई विल कंप्लीट द सेशन, आई विल सेंड ऑल द पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट चीजें स्टडी करते हैं। सो ऐसे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट डेवलप हुआ। अब इंडिया में इंडियन क्राफ्ट के कौन से फॉर्म्स हैं? सो व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट। इंडियन क्राफ्ट के यदि हम फॉर्म्स को स्टडी करें तो हर स्टेट में इंडिया के अपना एक अलग ट्रेडिशन है, राइट। हम कहते हैं ना दैट इंडिया इज डाइवर्स कंट्री। हमारी इंडिया क्या है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, मतलब सबका अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अलग अलग ट्रेडिशन।
फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, राजस्थान में आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, बंगाल में आपको, वेस्ट बंगाल में आपको अलग चीज़ें मिलेंगी, उड़ीसा में आपको अलग चीज़ें मिलेंगी. सो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपको अलग अलग ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं. और ट्रेडिशन का ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है विच इज़ हैंडीक्राफ्ट. तो आपको हैंडीक्राफ्ट भी अलग अलग जगह वेरी करेंगी. हैंडीक्राफ्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हैंडीक्राफ्ट का तरीका बदल जाता है. ओके, जैसे हम लोग बात करें फूलकारी आर्ट, तो नॉर्थ इंडिया में क्या फेमस है, नॉर्थ इंडिया में फूलकारी आर्ट फेमस है. इसके अलावा हम बात करें तो सिल्वर फिगर वर्क जो है ये ईस्ट इंडिया में फेमस है. इसके अलावा कोलोसल इम्पैक्ट, स्टोन क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट कहाँ पे फेमस है, स्टोन क्राफ्ट एक स्पेशलिटी है, स्टोन क्राफ्ट साउथ इंडिया में फेमस है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हम बात करें बिदरी वेयर, ठीक है, तो ये जो है ये वेस्ट इंडिया में फेमस है, राइट. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में ब्रिलियंस हैंडीक्राफ्ट का, इंडिया में बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट है और आपको रीजन टू रीजन हैंडीक्राफ्ट अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेगा, राइट. इन द मस्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटरी, अलग अलग पोटरीज के फॉर्म में. देयर इज अ मेटल क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, लकड़ी से कई सारी चीजें बनाई जाती हैं खूबसूरत सी. ओके, स्टोन वर्क है, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल में आपको हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेगा, लेदर को यूज करके हैंडीक्राफ्ट हो रहा है, कई सारी मेस्मराइजिंग पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं. सो इंडिया हम कह सकते हैं कि इंडिया में आपको हर तरीके के, इंडिया में आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो देखने को मिलते हैं. बिल्कुल सही अवनीत जी, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. फूलकारी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्ट है और जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस है. पंजाब इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वहाँ पे फूलकारी बहुत ज़्यादा फेमस है. चलिए नेक्स्ट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. तो अब हम एक एक करके आर्ट फॉर्म्स को स्टडी करते हैं. तो लेट्स स्टडी अबाउट द इंडियन पॉटरी. इंडिया में पॉटरी को डिस्कस करते हैं, इंडिया में किस तरीके से पॉटरी ट्रेडिशन है और ये जो पॉटरी है ये कब से स्टार्ट हुआ था. सी, इंडियन पॉटरी हैज एन एंशियंट ट्रेडिशन. ये एक एंशियंट ट्रेडिशन है, एंशियंट पीरियड से ही ये, मतलब अभी से थाउजेंड, कई हजारों सालों पहले से हमारे यहाँ पर ये पॉटरी ट्रेडिशन चला आ रहा है. कुछ प्रोमिनेंट फॉर्म्स हैं पॉटरीज के, एक होती है अनग्लेज्ड पॉटरी. क्या होती है, एक होती है अनग्लेज्ड पॉटरी और दूसरी वाली होती है ग्लेज्ड पॉटरी. ओके, सो अभी हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अनग्लेज्ड पॉटरी एंड व्हाट इज ग्लेज्ड पॉटरी. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन टिल नाउ, अभी तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. चलो तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले नहीं पूनम, अभी तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है. ये सब्सक्रिप्शन फी तो कम नहीं हो सकती है, पर यस आप सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा ये कोड यूज करते हैं JEE के लिए एज वेल RJ लाइव, तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है. ओके, सो काइंडली यूज दिस कोड एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ओके, चलो अब ही डिस्कस करते हैं हम अनग्लेज्ड पोटरी को. किसको डिस्कस करते हैं, हेलो हेलो मिस्टर सिंह, हाउ इज यू. चलिए अनग्लेज्ड पोटरी की बात करते हैं. तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म है पोटरी का जो इंडिया में यूज होता आया है. देयर आर थ्री टाइप ऑफ अनग्लेज्ड पोटरी. अनग्लेज्ड पोटरी जो रहते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं. वन इज पेपर पोटरी विच इज एक्चुअली अ बिस्किट कलर पोटरी, जिसमें ये स्किन टाइप का, जो बिस्किट का कलर होता है ना, थोड़ा सा कॉफी, थोड़ा सा लाइक कॉफी से कम एंड चॉकलेट से थोड़ा ज्यादा. तो एक होती है पेपर पोटरी जो किस कलर की होती है, जो क्रीम टाइप के कलर की होती है, जो बिस्किट कलर की होती है. इसमें इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाकर इसे डेकोरेट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट होती है ग्रेफिटो टेक्निक. क्या होती है, ग्रेफिटो टेक्निक होती है. ग्रेफिटो टेक्निक में क्या करते हैं, वेयर द पॉट इज पॉलिश्ड, जिसमें क्या रहता है, जो मिट्टी का बर्तन रहता है, जो पॉट रहता है, उसको पॉलिश किया जाता है एंड पेंटेड विद रेड एंड वाइट स्लिप्स. तो उसमें रेड और वाइट स्लिप्स के साथ पेंट करते हैं और साथ में उसमें कुछ इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ड्रॉ करा जाता है. ओके, और अनग्लेज्ड पोटरी की एक थर्ड कैटेगरी होती है,
जो कहलाती है पॉलिश्ड पॉटरी। क्या कहलाती है? पॉलिश्ड पॉटरी। इसमें क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग एंड डीपली इंसाइज्ड, मतलब कि बहुत ज्यादा गहरा एक मिट्टी का बर्तन रहता है, एंड ये जो है स्टाइलिश्ड पैटर्न इसमें ड्रॉ किए जाते हैं। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ अनग्लेज्ड पॉटरी। याद रहेगा आपको, अनग्लेज्ड पॉटरी आर ऑफ थ्री टाइप। वन इज पेपर, एक है पेपर, अनदर इज पॉलिश्ड, दूसरी क्या है, दूसरी है यहाँ पे सेकेंड वन इज ग्रेफिटो, ग्रेफिटो जिसमें ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं, और तीसरी वाली जो है वो है पॉलिश्ड। सो थर्ड वन इज पॉलिश्ड। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ पोटरीज। यहाँ पे क्या है, थ्री टाइप्स पोटरीज के हैं। चलो अब एक होता है ग्लेज्ड पोटरी। ओके, अनग्लेज्ड तो हमने समझ लिया, लेट्स स्टडी अबाउट द ग्लेज्ड पोटरी। ग्लेज्ड पोटरी की बात करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पोटरी कंटेन अ वाइट बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, इसमें एक वाइट बैकग्राउंड होता है एंड ब्लू एंड ग्रीन पैटर्न्स। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, जनरली यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे ब्लू एंड ग्रीन पैटर्न्स को ड्रॉ कर दिया जाता है। ये इंडिया के सिलेक्टेड रीजन्स में ही देखने को मिलेगा आपको ग्लेज्ड पोटरी। अनग्लेज्ड तो हमने देखा था, ऑल ओवर इंडिया में अनग्लेज्ड देखने को मिलता है, बट ग्लेज्ड आपको इंडिया के कुछ ही सिलेक्टेड रीजन्स पे देखने को मिलेगा। ओके एवरीवन, ऑल राइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग्स। अभी अगली चीजें देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर मैश की। किसकी बात करते हैं? पेपर मैश की। सो ये भी एक टाइप है पोटरी का, जो कि जिसमें कैसे बनती है, तो जिसमें जो पॉट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग वेजल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? पेपर पल्प को यूज करा जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जो पेपर रहता है उसको पानी में गलाने के बाद, और उसको बहुत टाइम तक रखते हैं, जस्ट 24 to 48 hours रखने के बाद उसका पल्प बनता है। सो हेयर दे यूज पेपर पल्प, विच जिसको मैश करते हैं और मिक्स करते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ और राइस फ्लोर पेस्ट के साथ मिक्स करा जाता है। ओके, सो इट इज देन, इसमें क्या होता है, देखो सिंपल प्रोसेस है, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, कि पेपर का पल्प बनाते हैं, उसके बाद उसमें कॉपर सल्फेट ऐड करते हैं और राइस फ्लोर का पेस्ट ऐड करते हैं, एंड देन उसको शेप बनाया जाता है, किसी पतले से मोल्ड को कवर करते हैं और एक शेप बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर उस पर डिजाइनिंग की जाती है एंड देन पॉलिश किया जाता है, और उसके बाद उसमें ब्राइट कलर्स का यूज किया जाता है। ओके, अ टच ऑफ गोल्ड इज ऑलवेज फाउंड ऑन द पेपर, जो पेपर मैश होते हैं इसमें हमेशा आपको थोड़ा सा गोल्ड टच हमेशा ही मिलेगा। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो गोल्डन कलर सबसे ज्यादा, इस इमेज में भी गोल्डन कलर सबसे ज्यादा यूज किया गया है, राइट। द गोल्ड रिप्रेजेंट इट्स रूट टू द पर्शियन डिजाइन। तो गोल्ड क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे गोल्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो टच दिखाता है, वो ये शो करता है कि पेपर मैश जो है इट इज अ पर्शियन डिजाइन। सो पर्शियन डिजाइन के इन्फ्लुएंस के कारण दे यूज गोल्ड कलर। इज दैट क्लियर? ओके, देन लेट्स स्टडी द नेक्स्ट थिंग्स। अभी अगली चीजें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, ट्राई टू एक्टिव इन चैट, चैट में एक्टिव रहेंगे तो ज्यादा चीजें सही रहेंगी। जनरली आई कैन अंडरस्टैंड, ज्यादातर आपका इंटरेस्ट इन टॉपिक्स की तरफ इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस। इट्स जस्ट लाइक अ एंशियंट हिस्ट्री, जैसा एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स कम इंटरेस्टेड होते हैं, बट सी माई डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो बनते हैं, करेक्ट, तो इसलिए फोकस जरूर कीजिए। ओके, लेट्स डिस्कस, अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट। सो हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज हैंडीक्राफ्ट? जनरली द थिंग विच इज हैंडमेड, सो हैंडमेड आर्टिस्टिक क्राफ्ट और आर्टिस्टरी इज नोन एज हैंडीक्राफ्ट। ओके, जो चीजें हाथ से बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, वो हैंडीक्राफ्ट में आती हैं। सो जो स्किल्ड पीपल रहते हैं वो अलग अलग आइटम्स को यूज करके, कंज्यूमर गुड्स को यूज करके कुछ डेकोरेटेड पीसेस को बनाते हैं, कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट,
सो जो वेस्ट मटेरियल रहता है, कुछ रॉ मटेरियल रहता है, उसको यूज़ करके कुछ डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते हैं, जिसमें पेपर भी यूज़ होता है, जिसमें दे यूज़ वुड, या फिर यहाँ पे ये क्ले भी यूज़ करते हैं, शेल्स यूज़ करते हैं, रॉक, स्टोन, मेटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं. और सिंपल टूल्स रहते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है. सो विद द हेल्प ऑफ सिंपल टूल्स दे क्रिएट हैंडीक्राफ्ट. इस तरीके के जो आइटम्स रहते हैं उन्हें हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं. ओके, और हैंडीक्राफ्ट क्या है? सो द क्राफ्ट विच इज क्रिएटेड विदाउट यूजिंग मशीन्स. इनका सबसे बड़ा फीचर क्या है? जो बिना मशीन्स को यूज करे हुए, जिसमें मशीनरी बिल्कुल यूज नहीं हुआ हो, वो जो क्रिएट होता है उसे ही हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं. चलिए, अब इंडिया में आपको बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, केन हैंडीक्राफ्ट, बोन एंड हॉर्न हैंडीक्राफ्ट, बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट, ब्रास हैंडीक्राफ्ट, क्ले हैंडीक्राफ्ट, डोकरा हैंडीक्राफ्ट, जूट, पेपर, स्टोन, शेल, ग्लास, लेदर और वुडन, इतने सारे टाइप के हैंडीक्राफ्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे. बिकॉज इंडिया इज अ वर्सेटाइल कंट्री. इंडिया क्या है? इंडिया एक वर्सेटाइल कंट्री है, जिसमें डाइवर्स आपको कल्चर्स देखने को मिलेंगे. तो जितने ज्यादा कल्चर उतने ही ज्यादा हैंडीक्राफ्ट. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट थिंग बात करते हैं. अब हम एक एक हैंडीक्राफ्ट को देखते हैं. जैसे ये इमेज आप लोग देखते जाइएगा. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैम्बू हैंडीक्राफ्ट. सबसे पहले हम क्या हैंडीक्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं? बैम्बू हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं. तो ये जो है, अब हम बात करते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? बैम्बू का. बैम्बू स्टिक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, राइट. और एक और चीज क्या है, ये इको फ्रेंडली है. बैम्बू क्या है? इको फ्रेंडली है. सो इंडिया में, इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बूज का. सो इट इज यूज्ड इन हैंडीक्राफ्ट. ओके, द वेरिड आइटम्स मेड फ्रॉम बैम्बू. अब बैम्बूज को यूज करके बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे बास्केट, डॉल्स, टॉयज, छलनी या फिर फर्नीचर, मेज, वॉल हैंगिंग, अम्ब्रेला, हैंडल्स, क्रॉसबो. ओके, बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बॉक्सेस, ओके, एक्सेट्रा, ये सारी जो चीजें हैं ये बैम्बू को यूज करके बनती हैं. सो बैम्बू हैंडीक्राफ्ट आर मोस्टली मेड इन वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा. तीन जगह आपको याद रखनी है, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, असम में और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा होता है. सो थ्री प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, नेक्स्ट इज केन हैंडीक्राफ्ट. नाउ केन प्रोडक्ट्स आर फेमस फॉर्म ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. केन जो है ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज्यादा फेमस है. अब यहाँ पे देखो, ये रहा, ये केन है एंड दिस इज बैम्बू. देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. तो यहाँ पे ट्रेस बनाए जाते हैं, स्टाइलिश फर्नीचर केन से बनते हैं. वेलोर डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें, वेलोर की, तमिलनाडु में वेलोर है, वो फेमस है किसके लिए? केन हैंडीक्राफ्ट के लिए. तो आपको वेलोर में बहुत ज्यादा केन हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलता है. सो केन हैंडीक्राफ्ट इज फेमस वेयर? इन वेलोर. एंड व्हेन वी से बैम्बू हैंडीक्राफ्ट इज फेमस एट वेस्ट बंगाल, असम और साथ में, ओके, देन त्रिपुरा. चलो, नेक्स्ट इज बोन एंड हॉर्न हैंडीक्राफ्ट. बोन का मतलब होता है हड्डी और हॉर्न का मतलब होता है सींग. तो उड़ीसा में बोन और हॉर्न हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस है. यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल फिगर्स जो रहते हैं बनाए जाते हैं. एंड इवन उड़ीसा में बात करें तो मैंने खुद देखा, वहां पे ज्वेलरी भी बोन को यूज करके बनती है. ओके, सो द फिगर्स आर ऑफन मेड लाइवली. द बर्ड्स आर सीन ट्विटरिंग बिसाइड द गुड्स लाइक पेन स्टैंड. ओके, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिगरेट केस क्रिएट करते हैं, टेबल लैम्प्स बनते हैं, पेपर एंड सॉल्ट के सेट बनते हैं, चेस सेट्स बनते हैं, नैपकिन रिंग्स जो रहते हैं बोन से वो भी बनते हैं, लाफिंग बुद्धा एक्सेट्रा. ये सारी जो चीज़ें हैं ये उड़ीसा में, कर्नाटका में, केरला में एंड उत्तर प्रदेश में दे क्रिएट. सो व्हाट दे यूज, इनका बेसिक रॉ मटेरियल क्या हो जाता है? देयर रॉ मटेरियल आर बोन एंड हॉर्न. तो बोन और हॉर्न इनका बेसिक रॉ मटेरियल हो जाता है. नेक्स्ट इज
नंबर फोर इज बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट. ये क्या है? ये है बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट. अब यहाँ पे हार्ड फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज, यहाँ पे ब्रॉन्ज यूज होता है विच इज यूजली टू मेक अप बेल्स. ब्रॉन्ज को यूज करके क्या बनाई जाती है? छोटी छोटी बेल्स बनाई जाती हैं, घंटियां बनाई जा सकती हैं, और इसी कारण से इसे बेल मेटल कहते हैं. ओके, ये एक हार्ड अलॉय है, और जिससे हम बात करें तो वर्मिलियन बॉक्सेस, बोल्स, कैंडल स्टैंड, ओके, पैंडेंट्स और कई सारी चीजें जो है ब्रॉन्ज को यूज करके बनती हैं, विच इज जनरली नोन एज बेल मेटल. द बेल मेटल क्राफ्ट आर मोस्टली प्रेवेलेंट इन मध्य प्रदेश. बेल मेटल क्राफ्ट आपको एमपी में, बिहार में, असम में, मणिपुर में देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा हम बात करें तो ये हैंडीक्राफ्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, एमपी में देखने को मिलता है, जिसे ट्राइबल क्राफ्ट कहा जाता है. एमपी में इसको क्या कहते हैं? एमपी में इसको ट्राइबल क्राफ्ट कहते हैं. तो आई होप यू गेट इट. आपको बोन एंड हॉर्न हैंडीक्राफ्ट सब कुछ ईजी है. जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू अ रिविजन. मैं सिर्फ आपको रिविजन दे रही हूँ कि बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट क्या है, बोन एंड हॉर्न हैंडीक्राफ्ट क्या है. हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं. ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. अब हम बात करते हैं ब्रास हैंडीक्राफ्ट की. किसकी बात कर रहे हैं? ब्रास हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं. सो जो ब्रास आइटम्स रहते हैं, जनरली उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है. ओके, तो जिसके कारण ब्रास वेयर्स जो है, ब्रास बार जो है, वो बहुत ज्यादा यूज हुए. अब इससे क्रॉलिंग कृष्णा, लॉर्ड गणेशा फिगर्स अलग अलग पोस्चर्स में, ओके, टेबल टॉप्स, परफॉर्म लैम्प्स, ऑर्नामेंट बॉक्सेस, हुक्कास, टॉयज, ये सारी जो चीजें हैं, वाइन ग्लासेस, प्लेट्स, फ्रूट बोल्स और कई सारी जो चीजें हैं जो इंडियन हाउसेस में यूज होती हैं, आज भी इनमें ब्रॉन्ज को यूज करके, ब्रास को यूज करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं. ये जो आर्टिशियंस रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंसारीज कहते हैं. क्या कहते हैं? कंसारीज कहते हैं, बिकॉज ब्रास को हिंदी में कांसा कहते हैं, और जो कांसे का काम करते हैं, जो कांसे से आर्ट फॉर्म्स बनाने का काम करते हैं, उन्हें कंसारीज कहते हैं. ओके, सो ब्रास वेयर का कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ब्रास वेयर का कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में. ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है. एंड डोंट फॉरगेट, आर जे लाइव, दिस इज माय कोड. ओके, चलो क्ले हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं. सो इसके बारे में बात करें तो हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमको पता चला है दैट क्ले क्राफ्ट और पोटरी इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म. क्ले को यूज करके मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और पोटरी, ये इनके एविडेंसेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले, विच प्रूव्स कि क्ले हैंडीक्राफ्ट एंड पोटरी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा प्रिमिटिव फॉर्म है, बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं, राइट. इसके अलावा वर्ल्ड फेमस टेराकोटा फॉर्म, ओके, इसके अलावा रेड वार, ग्रे वार, ब्लैक वार, ये सारी जो चीजें हैं टेराकोटा को यूज करके बनाई गई हैं. और उत्तर प्रदेश की बात करें सो यूपी इज वेरी फेमस. उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा फेमस है फॉर पेंटेड ब्लैक वार्स के लिए. ओके, तो क्ले हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो ये कहाँ फेमस है? उत्तर प्रदेश में फेमस है, यूपी में फेमस है. नेक्स्ट इज ढोकरा हैंडीक्राफ्ट. ये आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि व्हाट इज ढोकरा हैंडीक्राफ्ट. सी, दिस इज द डिफरेंट थिंग. ढोकरा हैंडीक्राफ्ट कुछ इस तरीके से होता है. इसमें क्या होता है? ये एक ट्रेडिशनल सिंप्लिसिटी को फॉलो करता है. एक ओल्डेस्ट फॉर्म है हैंडीक्राफ्ट का, ढोकरा हैंडीक्राफ्ट. इसको हम ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट कहते हैं मध्य प्रदेश में. सो इन मध्य प्रदेश व्हाट इट इज नोन एज? इन मध्य प्रदेश इट इज नोन एज ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट. अब अदर स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जहाँ पे ढोकरा बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज यहाँ पे फोक कैरेक्टर्स को बनाया जाता है. ओके, ढोकरा ज्वेलरी, कैंडल स्टैंड, पैन स्टैंड, एश ट्रेस और अलग अलग काइंड्स के जो शो पीसेस रहते हैं वो हर हैंडीक्राफ्ट शॉप पे अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज अबाउट ढोकरा हैंडीक्राफ्ट. ओके, द वेरी नेक्स्ट इज जूट हैंडीक्राफ्ट.
नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं विच इज जूट हैंडीक्राफ्ट। सो जूट हैंडीक्राफ्ट जो है, जूट क्राफ्टमैन जो है, ये वर्ल्ड वाइड, मतलब आपको पूरे वर्ल्ड में जूट हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलेगी। अब सबसे ज्यादा जूट के क्या बनते हैं, तो जूट से बैग बनते हैं, ऑफिस स्टेशनरीज बनती हैं, बैंगल्स और अदर ज्वेलरी, फुटवेयर, वॉल हैंगिंग और कई सारी चीजें जूट से बनती हैं। ओके, और ये वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में जूट हैंडीक्राफ्ट जो है वो यूज हुआ है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये कई ज्यादा, मतलब लाइक जूट हैंडीक्राफ्ट जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है इंडियन मार्केट में एंड इट इज इजीली अवेलेबल। सो इजीली अवेलेबल है जो इंडियन मार्केट में और कॉमनली है। सो वो क्या है, जूट हैंडीक्राफ्ट। आई डिडंट गेट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड गाइज, सो प्लीज टेल मी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेशन और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। You can openly tell me, okay, what's the problem, guys? If you have any doubt, you are feel free to ask, okay? All right. सो नेक्स्ट थिंग इज पेपर हैंडीक्राफ्ट। पेपर क्विलिंग तो बहुत ज्यादा फेमस है एंड ये इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि अब हम हर जगह, इवन लाइक जो किड्स रहते हैं, लाइक स्टैंडर्ड फिफ्थ तक के जो किड्स रहते हैं, इवन दे ऑल्सो नो द पेपर आर्ट। बचपन में कागज की नाव तो सभी ने बनाई है ना, राइट, पेपर बोट्स तो आप सभी ने बनाई है। सो वाइब्रेंट कलर्स के पेपर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और अलग अलग क्राफ्ट जैसे काइट्स, जैसे मास्क, डेकोरेटिव फ्लावर्स, लैम्प शेड्स, पपेट, हैंड फैंस, ओके, पेपर मैश, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डेवलप हुई थी इंडिया में। ये कब डेवलप हुई थी, तो ड्यूरिंग द मुगल एरा ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था पेपर हैंडीक्राफ्ट इंडिया में। जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है वो पेपर क्राफ्ट इंडस्ट्री आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, राजगीर में, पटना, गया, अवध, अहमदाबाद, अलाहाबाद जो विच इज़ नाउ प्रयागराज। सो आपको यहाँ पे पेपर हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। Besides that, paper crafts are found in the outskirts, almost even every major town. हर बड़े शहर में आपको paper handicraft देखने को मिल जाता है। Okay, now stone handicraft. Stone को use करके अलग अलग बहुत खूबसूरत सी चीजें बनाई जाती हैं। So prevalence of stone carving, stone की, पत्थर की नक्काशी जो है, अब स्टोन एज तो पढ़ा ही है, सभी लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा है और स्टोन एज के बारे में तो जानते हैं। तो स्टोन क्या है, ये एक प्रिमिटिव रॉक आर्ट है, राइट, और ये आपको राजस्थान, जयपुर, उड़ीसा, नागपुर में देखने को मिलेगी। ओके, अब राजस्थान, जयपुर और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस है मार्बल स्टोन की कार्विंग, मार्बल को यूज करके नक्काशी। अब मध्य प्रदेश में एक जगह है विच इज जबलपुर के पास, दैट प्लेस विच इज नोन एज भेड़ा घाट, तो ये किसके लिए फेमस है, ये मार्बल आर्ट के लिए फेमस है। नाउ ग्रीन कलर स्टोन आर्ट मध्य प्रदेश की स्पेशलिटी है। इसके अलावा पत्थर कट्टी जो है ये एक यूनिक रॉक क्राफ्ट है, कहाँ का, गया का। इसके अलावा कई सारे यूटेंसिल्स, डेकोरेटिव पीसेस, स्टोन ज्वेलरी और स्टैच्यूज जो है स्टोन से बनते हैं। सो दिस इज अबाउट स्टोन आर्ट। ओके, अब आपको शीप के बारे में पता है जिसे शेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। सो नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज नोन एज शेल हैंडीक्राफ्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट शेल हैंडीक्राफ्ट। Now, from the time of immemorial, shell handicraft are one of the demandable craft in India. India में shell handicraft जो है ये बहुत demandable है। क्यों है? क्योंकि shell handicraft जो है ये three types के shell से बनते। एक होता है conch shell, tortoise shell और sea shell। तो तीनों shell को use करके ये shell handicraft बनता है। अलग अलग kinds की चीजें जैसे bangle, फॉक्स, डेकोरेटिव बोल, लॉकेट्स, स्पून, बटन्स, कर्टन्स, इसके अलावा कैंडेलर्स, मिरर फ्रेम, टेबल, मैट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शेल को यूज करके बनती हैं। ओके, सो जनरली जो प्लेसेस हैं, इट्स गल्फ ऑफ मन्नार, ओके, गोवा, उड़ीसा,
तो जो सीसोर वाली प्लेसेस हैं वहाँ पे शेल हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा अवेलेबल है। नाउ वेरी फेमस, जो सभी का फेवरेट है, ग्लास क्राफ्ट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज ग्लास क्राफ्ट। चलो ग्लास क्राफ्ट के बारे में स्टडी करें। ऑलराइट, फाइन। तो ग्लास क्राफ्ट के बारे में हम बात करते हैं। इट इज एविडेंट फॉर्म ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग एट बस्ती इन उत्तर प्रदेश, राइट, जहाँ पे ग्लासवेयर, 2000 साल पुराना ग्लासवेयर, मतलब कांच का एक बर्तन हमें उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है बस्ती, वहां से हमें मिला है, राइट। द वॉसी ग्लास इज प्रिपेयर ट्रांसफॉर्म इन टू वेरियस शेप्स इज रिमार्केबल। सो जनरली ग्लास को यूज करके अलग अलग शेप्स उससे बनाए जाते हैं। हाई ए के रॉय, हाउज यू। चलिए अब नेक्स्ट चीज आप खुद ही बता सकते हैं कि अब हम नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं मीनाकारी। ओके, तो अब हम बात करेंगे मीनाकारी के बारे में। ओके, बट मैं बता दूं मीनाकारी को पढ़ने से पहले कि अलग अलग डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो है, जैसे ग्लास लैम्प्स, हैंगिंग लैम्प शेड, ग्लास लैंटर्स, ग्लास ज्वेलरीज जैसे बैंगल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में ग्लास को यूज़ करके बनाई जाती हैं। चलिए मीनाकारी क्या कहलाता है, तो जो सिल्वर फिलिग्री होते हैं और तराक्षी होती है, वो एक क्रिएटिव फॉर्म है हैंडीक्राफ्ट का, जिसमें ट्विस्टेड थ्रेड ऑफ सिल्वर, चांदी के धागों को ट्विस्ट करके और गोल्ड के तारों को ट्विस्ट करके ये मीनाकारी बनाया जाता है। फिलिग्रे कैन बी थ्री डिस्टिंक्टिव टाइप। अब जो फिलिग्रे होता है ये थ्री टाइप का होता है। एक जो होता है वो होता है मीनाकारी, दूसरा होता है कुल्ला जाल और तीसरा होता है फ्लावर्स और लीव्स। ओके, तो सबसे ज्यादा फेमस जो सिल्वर फिलिग्रे है, इसमें पानदान, टी ट्रे, ड्रिंक बॉक्सेस, आरिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट और अदर टाइप की ज्वेलरी मीनाकारी से बनाई जाती है। इसके अलावा कटक, उड़ीसा में कटक है और करीमनगर जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये सिल्वर फिलिग्रे वर्क यानी मीनाकारी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, सो नेक्स्ट इज लेदर क्राफ्ट। अभी लेदर को यूज करके भी हैंडीक्राफ्ट बनाया गया, जैसे इंडिया फेमस है किसके लिए, लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहां हमें फाइनेस्ट लेदर मिलता है और लेदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो कानपुर की बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का फाइनेस्ट लेदर आपको कानपुर में मिलेगा। एंड कानपुर एंड आगरा उत्तर प्रदेश में ये दो रिनाउंड प्रोडक्शन सेंटर है लेदर आइटम्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वुडन क्राफ्ट। अब हम अगली बात किसकी कर रहे हैं, अगली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वुडन क्राफ्ट की। देखो इंडिया में वुडन क्राफ्ट जो है ये एग्जिस्ट है सिंस एंशिएंट पीरियड। सो जैसे स्टोन क्राफ्ट इंडिया में फेमस है, वैसे ही एंशिएंट पीरियड से वुडन क्राफ्ट भी इंडिया में फेमस है। नाउ ये जो क्राफ्ट का मैन्युफैक्चर है, इसमें वुड को यूज करते हैं और प्रायर स्टोन स्कल्पचर्स को यूज करते हैं। मणिपुरी रीजन उत्तर प्रदेश का, गुजरात, कर्नाटका, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको ये किसके लिए फेमस है, सो ये सारे स्टेट्स वुडन क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसकी नक्काशी करते हैं, तो सैंडलवुड और रोज को कार्व्ड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंटल फर्नीचर जो है राजस्थान का, वो इंडियन वुडन क्राफ्ट इंडस्ट्री में एक रिमार्केबल प्लेस रखता है। ओके गाइस, सो ये हमारा सेशन था, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। आज के इस क्लास में मैंने आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। सो दिस इज द चैप्टर इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग। हमारा ये चैप्टर था विच इज इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग। यहाँ हमने देखा कि इंडिया में क्राफ्ट कैसे डेवलप हुआ, वॉट आर द फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट जिसमें वेरियस रॉ मटेरियल को यूज करके क्राफ्ट बनाए गए। फिर हमने बात की इंडियन पॉटरी क्या है, अनग्लेज्ड पॉटरी क्या है, वॉट आर द थ्री टाइप्स ऑफ अनग्लेज्ड पॉटरी, ग्लेज्ड पॉटरी क्या है, पेपर मैश क्या है,
फिर हमने हैंडीक्राफ्ट की बात करी इंडिया में, फिर हमने बैम्बू हैंडीक्राफ्ट, केन हैंडीक्राफ्ट, बोन एंड हॉर्न हैंडीक्राफ्ट, बेल मेटल हैंडीक्राफ्ट, ब्रास हैंडीक्राफ्ट, क्ले हैंडीक्राफ्ट, ढोकरा हैंडीक्राफ्ट, राइट, जूट हैंडीक्राफ्ट, पेपर हैंडीक्राफ्ट, स्टोन हैंडीक्राफ्ट, शेल हैंडीक्राफ्ट, ग्लास हैंडीक्राफ्ट, मीनाकारी, लेदर क्राफ्ट और वुडन क्राफ्ट को स्टडी करा। सो इस तरीके से आपका एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, किसी को भी कोई भी डाउट है सो यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स। आप अपने डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सेशन, रिलेटेड टू क्लासेस। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट। ओके, वन मोर थिंग, आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है तो आज हमने कवर करा इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग। नाउ हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जो होगा कल, विच इज ऑन 25th October। सो हमारा 25th October को जो लेक्चर रहेगा इट इज ऑन एम्ब्रॉयडरी। ऑन 26th वी विल स्टडी इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट और ऑन 27th वी विल स्टडी द पेंटिंग्स। ओके, ऑलराइट। द नेक्स्ट थिंग इज विच आई वॉन्ट टू टेल यू, आप यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए बिकॉज आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। आपको यदि हम बात करें आंसर राइटिंग के कोर्सेज की, सो देयर आर मेनी कोर्सेज फॉर आंसर राइटिंग। ओके, आपको सीसेट, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऐसे राइटिंग कोर्सेज, एथिक्स, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कवर करा रही हूँ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। यदि आपको मेरे साथ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर करना है और यदि आपको बाकी सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना है तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जरूर लेंगे बाय यूजिंग माय दिस कोड आरजे लाइव। ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ये आपको प्लस कोर्सेज में मिल जाएंगे, बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको देता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, पर्सनल कोच एंड मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग सीरीज। अवनीत, प्लीज कंप्लीट मी द सेशन, प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस सेशन एंड वंस वी डन विद सेशन फॉर श्योर आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। We'll see you tomorrow, okay? And tomorrow we will discuss about the embroideries in India. So thank you so much everyone. Kindly like, share, subscribe the session. And that is all. Bye-bye. Take care. Thank you, Halima.